लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। वाह चाचा, फोटोग्राफ तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। फोटोग्राफर भी तो बहुत अच्छा है साहब, 40 बरस का तजुर्बा है, दुनिया ने उसकी कदर नहीं थी। वाह चाचा, तुझे तो छा गया जी। ये लीजिए, लीजिए, ये हार भी लीजिए। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अब चले जाइए। तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये तो जीवन देख का जमाना है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हें खुश किया, अब तुम मुझे खुश करो डाली। निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाऊंगी तो दीदी जाग जाएगी, इसी वक्त घर से निकल देगी। इंसान को जन्म देने वाली औरत एक इंसान का खून करे तो जुर्म और भी संगीन हो जाता है। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि औरत होने की वजह से मुलजिमा के साथ कोई रियायत न की जाए और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को नसीहत हो और कानून की हिफाजत हो। मुलजिमा को अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं। तमाम हालात पर बखूबी गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा वंदना ने यह खून जानबूझकर किया है, लिहाजा तादीरात हिंद दफा 302 की रूह से मुलजिमा को उम्र कैद की सजा दी जाती है। Thank you.
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया पर इतनी धूल क्यों? बस यही एक भूल हो गई। चुप रहो बाबा,
आशीष की छुट्टी ठीक कम से कम एक हफ्ते की, गांव जाकर माँ से मिलकर फिर आऊंगा। हाँ आने की कोई जरूरत नहीं, आज से तेरी हमेशा के लिए छुट्टी। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे अगर नौकरी से अलग किया गया तो खाना पीना छोड़कर दरवाजे पर लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर भी इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा मांगने से पहले दो कप चाय तो लेके आओ। चाय? अच्छा भी लाया दीदी। अरे सिकारा अब तू जा और बाबा को साथ ले आ। अमीश है, 11 बजे से पहले मालिक अभी घर आए हैं। आज से आएंगे, उनसे कह देना खाना 9 बजे डाइनिंग टेबल पे लग जाए। अरे हाँ रास्ते में मालिक से कहते जाना कल सुबह से काम पे आ जाए। अच्छा और सुन धोबी से कह देना कल दोपहर का के कपड़े ले जाए। दीदी मालिक से क्या कहना है, 9 बजे का खाना दवा खाने के टेबल पर। अरे बुद्धू दवा खाने के टेबल पर नहीं डाइनिंग टेबल पर। समझ गया। दीदी धोबी सुबह को और माली दोपहर को ना। तेरा सर, माली सुबह और धोबी दोपहर में, अब अगर वापस आया तो पगला कहेगा। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया लेकिन ये बाल्टी फेंककर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी जी मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था और पानी मुझ पर डाल दिया, वो भी कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी आपका गुस्सा उतर गया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइए आपके कपड़े दे दीजिए मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए। जी ठहरिए। जी सुनिए। जी अगर मुझे निमोनिया हो गया तो? इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना। और आप? मैं उनकी बेटी हूँ। तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए। चाय जरूर। नमस्ते जी, आप डॉक्टर साहब हैं? हाँ। तुम कौन हो भाई? हाँ जी मैं एयरफोर्स में पायलट हूँ। पायलट जी, क्या ये पायलट का यूनिफॉर्म है? जी दरअसल बात ये कि मेरे कपड़े आपकी बेटी ने उतरवा दी। मेरी बेटी? क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। हाँ मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। वंदना, वंदना। ए विनो। बाबा तुम आ गए? हाँ। बाहर तुमसे मिलने। हाँ हाँ, एक पायलट ऑफिसर मेरा तौलिया पहने हुए कसरत कर रहा है। कसरत? हाँ। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, इतने दिनों तक इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? क्या नाम है? मैं तेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। कौन? मैं किसी जानते तक नहीं। हाँ? तो फिर ये शर्ट हंसती जा। बाबा बात ये है मैंने गलती से इसके ऊपर पानी फेंक दिया था तो मैंने सोचा अब सुखा कर इस्त्री करके दे दूं। बस बस क्या, एक कप गर्म चाय भी दे देती हूँ। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों की पुरानी जान पहचान होगी, शायद लड़का तुम्हें पसंद होगा और मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। किसी बात कर रहे हो? शुक्रिया। हम का आपको तकलीफ दी? तकलीफ हाँ तकलीफ तो है ना, देखिए ना आपको चाय बनानी पड़ी, मेरे कपड़े इस्त्री करने पड़े। सुनिए डॉक्टर साहब से कहिएगा मेरे साथ चलने के लिए। बाबा भी थक कर आए हैं, इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। जी 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 गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ना दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त बगैर परमिशन से घूमने चले आए थे और मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई। अगर हेडक्वार्टर जाने से पहले तबीयत ठीक नहीं हो तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ जी? डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है मैंने सब कुछ सुन लिया है, चलो जी। हाँ चलिए। अरे भाई अपनी चाय तो पी लो। अच्छा सुनिए
चाय बनाने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पीले 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 हरि नाम का प्याला। साहब साहब चाला बना दो। अच्छा सर, वो साहब उठ गए? साहब वो तो सुबह उठ के चले भी गए। चले गए? हाँ सर। कहाँ? वो डॉक्टर साहब है उनके पास गए, बोले साहब को उधर ही भेज दे। और उनका सामान? सामान तो साहब इधर ही है, बोले कि पैक कर देना, साहब लेके आ जाएंगे, थोड़ा बख्शीश भी दे देंगे। बदतमीज जी। कुछ नहीं। अच्छा मेरी जीप तो है बाहर? हाँ सर बाहर ही। अच्छा सामान रख दो मेरी जीप। थैंक यू सर, यू आर ए वेरी गुड मैन। अब तो आपको बिल्कुल बुखार नहीं। होगा कहाँ से बंदना जी, आधा बुखार तो रात को आपके पिताजी की दवा खाकर भाग गया, जो बाकी बचा था वो आपके हाथों की चाय पी गया। मेरा नाम आपको किसने बताया? अरुण ने। आपके दोस्त? उनका नाम अरुण है। हाँ, क्या उसने आपको अपना नाम नहीं बताया? मदन। आगे मेरा नाम मदन है, मदन वर्मा। हम दोनों फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, वैसे मेरे से एक साल जूनियर। अच्छा, तभी नीचे खड़े हैं, आइए ना बैठिए। जी नहीं, हम जरा जल्दी में। अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी। परफेक्ट। एक कप चाय तो पीते चाहिए। हाँ हाँ बैठो ना, ऐसी भी क्या जल्दी, उसे इतनी बढ़िया चाय तुमको मिलेगी कहाँ? यानी आपको एक कप और? अगर आप इसे इतना बेशर्म ना समझें तो। अभी लाइए। मदन, तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आए? यार लड़कियों के मामले में तू अनाड़ी है। कल रात तेरी हालत देखते ही मैं समझ गया था कि तेरी हालत नाजुक है, इसलिए लड़की देखने में खुद चला है। और अब देखने के बाद सच सच बताऊं, भाभी बनने लायक? किसकी? मेरी और किसकी? शादी कर बड़ा बड़ा शादी, मगर जानना पहचान यार, ये टेक्निक मैं सिखाऊंगा। वंदना जी आप फिक्स को जा, एक कप सुबह एक कप शाम, इससे ज्यादा चाय नुकसान पहुंचाती है। सुना? और तू है कि 40-40 कप रोज? 40 कप डेली? हाँ 40 कप चाय और 150 सिगरेट डेली। मदन अब चाल बात करता है, वंदना जी अगर इसको समझाओ तो पता क्या जवाब देता है? कहता है कि अगर मैं जल्दी से मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला ही कौन है? क्यों, आपका कोई नहीं है? जी जी वो क्या अजी, कोई अपना हो तब ना, जिसकी ये बात माने, जो इस बेवकूफ की जिंदगी बना सके। चलो चल 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 चल, चाय तो पीके जाइए। नहीं बना जी, आज से मैं आपकी बात मानूंगा, फिक्स कोटा। चलो चल। नमस्ते नमस्ते। अरुण बाबू अपने दोस्त की बात मानिए, ज्यादा चाय और सिगरेट अच्छी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। किसने कहा था ये सब बकवास करने की? बकवास नहीं बेटा, तुम्हारे लिए रनवे बना रहा था। मतलब ये कि उसके दिल में तुम्हारी परफेक्ट लैंडिंग। ओ शट अप यार, जरा सिगरेट केस देना। दोबारा यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई बहाना तो चाहिए ना, अभी सिगरेट केस को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाना। अरे ये किधर से आया? बाबूजी आपका सिगरेट का डब्बा। अरे चला गया बाबूजी, बाबूजी आपका सिगरेट का डब्बा, बाबूजी बाबूजी। लीजिए, बड़ा रनवे बना रहे थे। ये कार्टून कौन है? उनके घर का नौकर है टीकाराम। टीकाराम जी, जयराम जी की। जयराम बाबू जी, आप तो बड़े जादूगर निकले, पैदल चल के हमारी जीप से पहले पहुंच गए। बाबू जी आप लोग पक्की सड़कों में चक्कर लगाते हुए आते हो और मैं कच्ची सड़क से सीधा चलाया। बैठो गाड़ी में। गाड़ी में मैं? हाँ टीकाराम जी, आपने हमारा सिगरेट केस वापस दिया, हम आपको चाय पिलाए बगैर थोड़ी वापस जाने देंगे। आगे कोई होटल होटल है? इसी सड़क पे आधे मील पर भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर? जी हाँ, और चाय बनाने वाली देवी है, उसके दर्शन के लिए हर मंगलवार को मैं वहाँ चाय पीने जाता हूँ। मंगलवार को? हाँ। तो आज भी तो मंगलवार है। हाँ। चलिए दर्शन कर लीजिएगा। अच्छा। हाँ भाई, ये क्या चक्कर है भाई, घर में घुसने के लिए घर के नौकर को पहले पटाना चाहिए सिगरेट? मुझे भी। हाँ।
भगवान जी जरा तीन प्याली चाय तो भिजवा देना। बहुत अच्छा जी। बस बाबू जी अभी आ जाएगी छम छम करती हुई चाय लेकर शंपा। लो साहब जी चाय। अरे भगवान जी चाय लाने का कष्ट तुमने क्यों किया? क्या करूं जी, चंपा गाय चराने को चली गई है जी। कहां? दंगल राम के खेत के पास के जंगल में जी। खैर कोई बात नहीं, ये बड़े अफसर हैं, इनको सलाम करो। सलाम साहब, सलाम साहब। मुझे भी। तुम्हें क्यों जी? क्यों नहीं, मैं जो इतने बड़े अफसर को तुम्हारी छोटी सी दुकान पर ले आया, तुम्हारी दुकान की शोभा जो बढ़ाया। धन भाग मेरे साहब, मानता हूँ कि मेरा होटल छोटा सा मामूली है, मगर भगवान सिंह के होटल जैसी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। वाकई तुम्हारी चाय बहुत अच्छी। शुक्रिया। चाय देना जी। कमबख्त ने मुझे सलाम नहीं किया। नाम है भगवान पर है पूरा शैतान। शर्त रख दिया है शंपा का हाथ उसी के हाथ देगा जो उसे 1000 रुपए देगा। लगता है न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीका राम जी, बांसुरी जरूर बजेगी, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सच? बिल्कुल सच, लेकिन हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम हमारी मदद करो। जल्दी बताइए क्या सेवा करना है, मैं सब करूंगा। आओ मेरे साथ। हेलो भगवान जी, ना अपना गिला और ये पैसे। बस ठीक है राम जी, इतना बतला दीजिए कि आपकी दीदी कहाँ जाती है, कब जाती है, मैं मतलब उसकी पसंद नापसंद। समझ गया बाबू जी, समझ गया, साफ बता दूंगा। लेकिन साहब जरा सोच समझ के आगे बढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि मुसीबत में फंस जाओ। हाँ क्यों? मेरी दीदी बहुत गुस्से वाली है। हाँ ओ ठीक है राम जी, प्रेम में मजा तब आता है जब लड़की गुस्से वाली हो। दीदी ये रहा शिव। कैसे दिए सर? दो चार से ले ले दीदी। सदा जी संतरे कैसे दिए? हट्टे होंगे। अरे आप? अरे आप नमस्ते। नमस्ते, आज भी आपकी छुट्टी है? अरे कहाँ छुट्टी वुट्टी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चला आता हूँ। देखिए ना हमारे एयरपोर्ट के पास तो कुछ मिलता ही नहीं है, जरा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता। बाबू जी मेरा बाप कहता था कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके वो सेब से? जी नहीं, कुछ अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेब। नमस्ते, चलो जीतारा। अरे डॉक्टर साहब आप नमस्ते। जी देखो बेटे, मैं तो समझता था कि मिर्ची वाले पूजा पाठ पर विश्वास ही नहीं करते। ये तो अपने अपने श्रद्धा की बात है डॉक्टर साहब, पूजा करनी हो तो हृदय से करनी चाहिए। ठीक बेटी, इन्हें प्रसाद दो ना। हाँ हाँ, देवी के द्वार आए हैं, प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। आज पूजा सफल हो गई, फौरन प्रसाद मिल गया। आप घर ही जाएंगे ना? जी मेरे पास है, चलिए रास्ता भी वही। अच्छा भाई चलो आओ। क्या तुम यहाँ रोज आते हो? बस जब भी देवी के दर्शन करने हो चला आता हूँ। बड़ी खुशी होती है। क्या तुम इसी पोशाक में जीप चलाओगे? जी नहीं, 5 मिनट ठहरिए, बस अभी आता हूँ। अच्छा बैठो बेटे। अरे भाई हाँ, पिछली बार मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। अरुण वर्मा। और वंदना जी को मालूम है? क्यों बेटी तूने मुझे बताया नहीं? आपने पूछा नहीं बाबा। अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले? वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, पिताजी का कारोबार था, अब पिताजी नहीं रहे, इसीलिए हम सब लोग मथुरा में सेटल हो गए। अब तुम्हारे घर में कौन कौन है? चाचा जी हैं, चाची जी हैं। और तुम इतने दूर चले आए हो? जी क्या करें, एयरफोर्स की नौकरी ऐसी है। जब दिल्ली में रहता था हर संडे घर चले जाया करता था, अब यहाँ पर आने के बाद घर की याद बहुत आती है। ना तो यहाँ पर कोई अपना है, ना किसी से जान पहचान है। भाई ऐसा क्यों कहते हो, जब छुट्टी मिले
तो अपना ही घर समझ के चले आया करो। जी खान का आपको तकलीफ होगी। अरे तकलीफ का है कि ज्यादा से ज्यादा एक आध प्याली चाय ही तो पियोगे। डॉक्टर साहब हो सकता है खाने का भी लालच हो जाए। भाई ये तो वंदना के डिपार्टमेंट है, उससे पूछो। बोलिए। एयरफोर्स के पायलट को घर का रूखा सूखा पसंद आएगा बाबा। अजी आप बुला के तो देखिए। जब आप चाहे। अच्छा तो बस अगले इतवार को आ जाओ। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट। मुझे मालूम था आप इस बात तक इंतजार नहीं कर सकते। जी मैं खाना खाने नहीं आया। तो फिर बाबा से मिलना है। जख्म दिखाने आया। जख्म? ये जरा से खरोच पर जख्म कहते हैं? मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। आप बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। कल रात मैंने सपना देखा था। सपना? कैसा सपना? चारों तरफ आग ही आग, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होती ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते, एयरपोर्ट साफ। उसके बाद? उसके बाद एक धड़ाम से आवाज आती, मेरा प्लेन फिर उठता है। नीचे देखता हूँ तो आधा प्लेन गया है, नीचे देखता हूँ तो होश गया है। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ। और जब आंख खुलती है अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती, आंख खुल जाती। शुक्रिया, आप खुली तो सही, मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा। खत्म? अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना। अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है, अब आप। पट्टी? आपने गलत हाथ में बांधी। गलत? जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना? जी। तुम मेरे सपने में खो गई थी। सच होगा मेरा सपना? मुझे क्या मालूम। तो फिर किसे मालूम? बाबा को। बाबा से तो मैं बात करने ही वाला था, सुन रही हो? मैं तो तुम्हें पसंद हूं ना, यानी कि हूं। बाबा को मैं राजी कर लूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, सुन रही हो? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटे। कौन सी बात? पहले आप वादा कीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। हाँ हाँ वादा करते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखिए दरअसल बात ये है, कल हमारे मेस में एक फंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जरूर आए। अच्छा, और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगे। तो कल मैं 5 बजे आपको लेने आओ। क्यों बेटी, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। घबराओ मत, वो जो मुझसे बातें करने आएगा ना, मैं फौरन हाँ कह दूंगा। लड़का मुझे भी पसंद है। वेलकम वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते मदन, तुम इन लोगों को अंदर लेके चलो, मैं भी कपड़े बदल के। डोंट वरी डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर देम। प्लीज कम। जल्दी आना। बस अभी क्या, अभी आ। Then you will find it's very difficult to fly at 50 feet and maintain all the distance of the day, sir. Thank you. Oh, thank you, Arun. Thank you. Thank you. Jaldi mubarak, sir. Thank you. Sir, ye hamari guest Miss Vandana aur ye hamare Air Commodore Gangoli. How do you do? Thank you. A very beautiful guest indeed, eh? Flight Lieutenant Arun. अपने ऑफिसर्स को कभी अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम समझ तो जरूर गए हो, मेरा मतलब है ये तुम्हारी गेस्ट है या और कुछ? सर वो वो वाह वाह कमाल हो गया। सर हम एक दूसरे को चाहते हैं। दैट्स बेटर एंगेजमेंट हो गया। सर अभी कुछ दिन पहले इनकी जान पहचान हुई। आई सी। तो क्या हुआ? एयरफोर्स के ऑफिसर का हर काम जेट स्पीड से होना चाहिए, हर सेकंड टीम की होता है, इजंट इट सो? दैट मींस 30 seconds to 7, वी हैव टू गो इनसाइड। Allow me, please. Thank you. Allow me, please. Please.
अरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। नहीं मेरे पिताजी। अरे डू इंट्रोड्यूस मी, दिस इज एयर कमोडोर गांगुली और आई एम डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी। वेरी नाइस मीटिंग यू इंडीड। हरे डू आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड कांग्रेचुलेशन। व्हाई? क्योंकि आप एक ऐसी लड़की के पिता हैं जिसे एयरफोर्स में ही होना चाहिए था। क्यों? मैं समझा देता हूँ। एयरफोर्स के ऑफिसरों में दो खूबियों को होना जरूरी है, एक तेज नजर, दूसरी तेज रफ्तार, जो आपकी लड़की में है। मैं फिर भी नहीं समझता। मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए, इतने ऑफिसरों में से आपकी लड़की की नजर ने हमारे सबसे बेहतरीन ऑफिसर को चुना। इसका मतलब है तेज नजर और दो ही दिनों के मुलाकात में मोहब्बत हो गई। इसका मतलब है तेज रफ्तार। Ladies and gentlemen and officers of the Indian Air Force, happy birthday to Air Commodore Ganguly, that is myself. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे जन्मदिन पर मुझे मुबारकबाद देने आए। लेकिन दरअसल सच पूछा जाए तो जन्मदिन की मुबारकबादी एयरफोर्स के उन ऑफिसर्स को देनी चाहिए जिनका हर दिन उनकी जिंदगी में जन्मदिन होता है, जिनकी जिंदगी हर रोज हर मिनट खतरे में पलती है, खतरे से गुजरती है। मुबारकबादी उन ऑफिसर्स को देनी चाहिए जो साउंड बैरियर को तोड़कर बिजली की तरह आसमान का सीना चीरते हुए दुनिया से मीलों ऊपर चले जाते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, चाहे वह जंग का वक्त हो चाहे अमन का। इस सिलसिले में मुझसे ज्यादा आप लोगों को समझा सकेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण, क्योंकि हाल ही में वो एक जबरदस्त हादसे से गुजर चुके हैं और वो हादसा है मिस वंदना त्रिपाठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण हैज फॉलन इन लव, गिव हिम अ बिग हैंड। तुम्हारे सपने देख रही हूँ। दिल की धड़कन इतनी तेज, तुम्हारा नाम पुकार रही है, सांसों की रफ्तार तुम्हारे पास ले आई है, कहां से कहां। सच? वीनू, वीनू आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा, आज तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। वीनू, जब किसी पुरुष को जीवन साथी की तलाश होती तो उसके सपनों में एक ऐसी लड़की की तस्वीर आती जिसकी आंखों में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती। जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। सच? यकीन नहीं आता वीनू, तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। हम दोनों के दिलों की आवाज एक है जो साथ साथ मिलकर इन वादियों में गूंज उठी। सुनो, पूरा कागज था ये मन मेरा।
शॉट सर, एक्सलेंट शॉट है ना मदन। अरुण तुमने कभी बिलियर्ड्स खेली है? जी वो मैं जानते हैं शॉट को क्या कहते हैं, इट्स अ बैड शॉट। इस झूठी तारीफ का ये मतलब हुआ कि या तो तुम मुझसे कुछ मदद चाहते हो या यस सर मैं एक खास परमिशन। कम ऑन व्हाट इज इट सर, वो मेरी फियांसे है ना, उसने आज तक कोई प्लेन नजदीक से नहीं देखा। एनीथिंग तो नजदीक से प्लेन दिखा दो। सर वो मुझे प्लेन को उड़ाते हुए देखना चाहती है। तो प्लेन उड़ा कर दिखा दो। मेरा मतलब है सर, वो चाहती है कि जब मैं प्लेन उड़ाऊं वो मेरे साथ हो। ना वरुण दिस इज इम्पॉसिबल, तुम्हें मालूम होना चाहिए एयरफोर्स के प्लेन में कोई सिविलियन नहीं बैठ सकता। पर सर वंदना सिविलियन नहीं है, वो लड़की है। मेरा मतलब है मेरी फैन से, और आप तो जानते हैं कि लड़कियों की इज्जत कैसे होती है, आप तो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस एक बार हुआ था और दूसरी बार शादी करनी पड़ी। नाउ दिस इज गुड शॉट, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर मान लीजिए आपने अपनी वाइफ से कोई वादा किया हो तो क्या उसे निभाना जरूरी नहीं? निभाना पड़ता है छक मार के। वाइफ लव्स का मतलब समझते हो तुम? नो सर, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ऑल इन वन। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आर्मी नेवी और एयरफोर्स भी बनना है ऑल इन वन। मैंने उसे जॉय राइड कराने का वादा किया है सर। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जॉय राइड के लिए मैं एयरफोर्स का रेगुलेशन तोड़ दूं? नो सर, बट सिंस एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन फ्लाइंग क्लब एयरक्राफ्ट पर। ओके सर। और सुनो। यस सर। तुम अब शादी करने वाले हो जी, और मुझे 20 साल का तजुर्बा है, मैं तुम्हें दो सलाह दूंगा। यस सर। पहली सलाह कि अपनी बीबी से जो वादा करो उसे निभाओ। दूसरी, कभी वादा मत करो पछताओगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे बादल तो मैंने कभी नहीं देखे। मीनू, इस वक्त हम आसमान में बादलों से बहुत ऊपर, सिर्फ मैं और तुम। ऐसा लगता है जैसे कोई सपनों की दुनिया है। है भी मेरे सपनों की दुनिया, मेरी एयरफोर्स की जिंदगी, जिसमें ना रफ्तार की कोई बंदिश, ना उड़ान की कोई सीमा। धरती हमारी, आकाश हमारा, एयरफोर्स मेरे रगों में है, मेरे खून में। मैं? तुम मेरे हर सांस में हो, हर धड़कन में। अब तुम बहुत ऊपर आ गए और रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। यानी आसमान पर पहुंचने के बाद जमीन पर उतरना पड़ेगा। ऑल राइट मुखिया जी और बरादरी के लोगों, आज इस पवित्र त्योहार पर आप लोगों की कृपा से मैं अपनी बेटी चंपा की मंगनी करना चाहता हूँ, और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ वो मैं हूँ। हजार देने की हिम्मत है? हजार बिना मोल भाव किए चार आने की भाजी नहीं खरीदता, ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 200 लोगे? 200? अरे मंगलू तू भी तो शादी करना चाहता, बढ़ ना कुछ। तो शाबाश, सत्यानाश। 1000? अरे साहब आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी को लीलाम मत करो, उसकी शादी टिकराम से हो जाने दो जिसे वो चाहती है। क्यों रे, तू इस उल्लू को चाहती है? हाँ बापू। उल्लू के ससुर जी, जी जल्दी से फैसला कर दो वरना मेरे साहब खपा होकर चल जाएंगे, फिर 500 पर ही टापते रह जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, बात तो पक्की हो गई है ना? मुखिया जी और बरादरी के लोगों, आज मैं अपनी बेटी की सगाई श्री टीकाराम जी से पक्की करता हूँ। अब इस खुशी के मौके पर अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग लुगड़ी के चार चार घूंट अपने गले के नीचे उतारो। बाबूजी शुरुआत आपसे कीजिए। अरे चपर घंटू, साहब को लुगड़ी, साहब अंग्रेजी पीते हैं अंग्रेजी। लीजिए साहब, लीजिए साहब।
ये क्या, ये तुम शराब पियोगे? दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, रीति रिवाज की बात है। शराब नहीं पियेंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, आप तो पीनी पड़ेगी। हाँ ला लो सिगरेट, मेरी बोतल भी दे दो। बाबा कंटक भगवान की जय, हिमालय पर्वत की जय, हिमालय पर्वत की जय, कंती देवी की जय, मेरी देवी की जय। साहब आपको तो चढ़ गई है, ये जीप तक छोड़ा हूँ। कहाँ जीप तक? हाँ आइए दीदी, चलिए चलिए। तुम गाड़ी तक कैसे को चल सकते हो? मैं तो उड़ सकता हूँ। हाँ साहब आप उड़ जाइए, मैं भी अपने शंपा के पास उड़ कर जाता हूँ। उड़ के चलो। अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। अरे वीनू तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो। डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का। मत छुओ मुझे। अरे वीनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो वीनू मेरी बात तो सुनो। वीनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है जाता हूँ, बाद में पछताना ना। अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारे टीकाराम का आइडिया। कुछ भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी। मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता? अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता? और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली देखकर सुबह की हर कड़ी खिल उठती।
कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 गुनगुना रही है भंवर खिल रही है कली कली पूरी हो जाती है। कमाल है वे तो फौरन इसी वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। सुखी रहो भगवान भोलेनाथ जोड़ी बनाए रखे जय शंकर। पंडित जी अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई तो क्या हुआ? ये भगवान शंकर का मंदिर है, इनके चरणों में सवन खाकर माला पहना दोगे तो सदा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। पंडित जी अभी आया माला एक दूसरे को पहना दो। होते हैं पहले शादी तो हो जानी तो
हो गई ना। देखो ना मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? लो शुरू हुई है मेरी शायरी। ये गुलाबी मौसम, ये बरखा की रिमझिम, और मेरी बाहों में तो जी चाहता है शायरी करता ही रहो। Thank you.
रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। नहीं किया? नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। विनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है, हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी, देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। चलो विनो, कितनी अजीब बात है, कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, और कुछ ही दिनों में दो से एक हो गए, और अब कुछ ही दिनों में तीन। जाओ। नाम क्या रखोगी? जब होगा तब सोचूंगी। सूरज कैसा नाम है? लड़के के लिए तो बहुत अच्छा नाम है। पहले लड़का ही होगा, उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा है, पूरा तुम्हें सपना होगा। करोगी ना? और सुनो, वहीं से अपनी शादी की तारीख भी पक्की करते आना, क्योंकि तुम्हारी खोए खोए नजरें, ये बेचैन हालत अब उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और सुनो यार,
दिल्ली से कुछ पापड़ लेते आना, स्टॉक खत्म हो गया। ले आऊंगा ले आऊंगा। अरे वंदना आप यहीं पे ठहरिएगा, आपकी नमस्ते मैं कह दूंगा। अभी से हालत है बेटे? सलाम सलाम। अरे तुम सुबह सुबह इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? दूर जा रहे हो ना? सिर्फ दो दिन की तो बात है, आज और कल। परसों आ जाओगे जरूर? हाँ, और चाचा जी को लेकर सीधा तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये दो दिन क्या करूंगी मैं? जब तक मैं नहीं आता हूं इसी से प्यार कर लेना, हमारी शादी की तस्वीर है। चलो देर हो रही, बाकी रहा दीदी? कुछ नहीं, तू अभी गेट के पास खड़ा हो जाए, जैसे वो लोग आते हुए दिखाई दे मुझे फौरन आके बता। हेलो बेटी, सब इंतजाम हो गया? सब हो गया, मुझे जरा आने में देर होगी। तुम मुंह हाथ धो लो, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा जी, आप वो लोग नहीं आए? वो लोग नहीं आ सके। क्यों? मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर? क्या बात है मैडम? अरुण का ब्रेन क्रैश हो गया है। हाँ? उसकी हालत बहुत सीरियस है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में, आप लोगों को मैं लेने आया हूँ। चलो बैठे। डॉक्टर साहब चीज बंदना होश में आते उसने आपसे ही मिलना चाहा, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। आप लोग यहाँ ठहरिए, आइए। लेफ्टिनेंट अरुण, वंदना जी आ गई हैं। आप इनसे सिर्फ दो मिनट बात कर सकती हैं। सिस्टर कम। अरुण, अरुण, लो मत। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। मौत मेरे सामने थी और मैं जिंदा रहना चाहता था तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। मेरा सपना याद है ना? तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा। बनाओगे ना? अब तुम बात मत करो, चुपचाप आराम करो। पहले बेटा ही होगा हमारा, मगर मैं उसे देख ना सकूंगा। कैसी बातें करते हो तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये काली सी परछाई किसकी? अरुण, काली सी परछाई अरुण। बेनू? हाँ अरुण। तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाहर।
मदन के साथ। उन्हें बुलाओ। बात मत करो अरुण। वीरू मुझे उनसे कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त है। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे उनसे कहना कि हमारी शादी हो चुकी है मंदिर में भगवान के सामने। फिर कभी कहना, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। शायद वीरू बाद में मौका नहीं मिले। बुलाओ जाती जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। जाओ जाओ। क्या हुआ बेटी? कहो बेटा, बोलो क्या है बेटा? क्या है बेटा? बोलो बोलो क्या है? बोलो बेटा, बोलो क्या है? बोलो बेटा। उनकी याद को बहुत सस्ता बना रही। वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था जिसकी जिंदगी हमेशा मौत के साए में पलती। शायद आपको पता नहीं, अरुण ने अपने फर्ज के खातिर जानबूझकर मौत को गले लगाया। वंदना जी, ऐसे आदमी की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ठीक कहा मदन जी, आज के बाद कोशिश करूंगी मेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी आंसू ना आए। यहाँ के देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील, बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। अरे कमाल है, फिर तो फौरन इस वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। देख बेटी, मन को जलाने से दुख दूर नहीं होता है, दुख को तो कोशिश करके भुलाना पड़ता है। बाबा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो बेटी, कहो ना। ये क्या अंधेरा क्यों कर दिया? उजाले में कह नहीं सकूंगी। ऐसी कौन सी बात है? बाबा, मैं मां बनने वाली हूं। वंदना, तू रो मत वंदना। कल सुबह हम दोनों उस दुनिया के लिए कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, किसी दूसरे शहर में। तुम्हारी बदनामी ना हो, उसका ये एक ही उपाय है। फिर एक महीने में, डेढ़ महीने में वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। देखो वंदना, जो भूल तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं बाबा, मैं इसे भूल नहीं कह सकती, इसी के लिए तो जीना है मुझे। अरे ये तू क्या कर रही है पगली? एक कुमारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा, उसे नफरत की नजर से देखेगा। और अरुण के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई तो बाबा, शंकर भगवान के सामने। लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं हुई।
इसलिए दुनिया इसे कभी नहीं मानेगी। लोक लाज का रीत रिवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है, जिसमें न लोगों का डर है न लोक लाज की परवाह। तू होश में नहीं है वंदना। कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे, तुझ पर उंगलियां उठाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बच्चा तुझसे आकर पूछेगा कौन है मेरे पिता, तब क्या जवाब देगी? नहीं बेटी, एक गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए। चल कल ही हम लोग यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक जिंदा रहूंगी उनकी आराधना करती रहूंगी, और उसके लिए हर मुश्किल हर मुसीबत का सामना करूंगी। ठीक है बेटी, तुझमें जब इतनी हिम्मत है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो हमेशा तेरी मदद करें। आइए। नमस्ते, आप हैं अरुण के चाचा जी? जी हाँ, हम बागडोगरा से आए हैं। मेरा नाम है गोपाल त्रिपाठी, ये है मेरी बेटी वंदना। बैठिए। बैठो बेटी। जिस दिन वो भयानक दुर्घटना हुई उस दिन सुबह मुझे अरुण का तार मिला था कि वो आ रहा है, और दोपहर को खबर मिली कि वो नहीं रहा। अरुण ने आपको कभी कुछ लिखा था वंदना के बारे में? नहीं तो। उसका अरसे से हमारे घर में आना जाना था। वो और मेरी बेटी एक दूसरे को चाहने लगे तो उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली? और अब ये अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। डॉक्टर भाई, अरुण ने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे, वो तो हर बात में मेरी सलाह लेता था। मुझे बताए बिना उसने शादी कैसे कर ली? अजी सुनते हो, जरा भीतर आना। माफ कीजिए, मैं अभी आया। क्या है चंदा? आप भीतर बताती हूँ। बात क्या है? उस बुड्ढे और उसकी लड़की को फौरन घर से निकाल दो। क्या कह रही हो? मैंने सब सुन लिया है। अरुण के मरने के बाद उसकी जायदाद हम लोगों को मिल गई। अब क्या इस छोकरे को घर में रख के उसका हिस्सा वापस करना चाहते? मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, आप लोग जा सकते हैं। ऐसा न कहिए, ये आपकी बहू है। बहू? किसकी बहू, कहाँ की बहू? मेरा आज्ञाकारी भतीजा जो बिना पूछे घर से कदम बाहर नहीं रखता, वो मुझसे बगैर पूछे शादी कर लेगा? कहाँ हुई शादी, कब हुई शादी, किसके सामने हुई? ईश्वर के सामने। बहुत खूब, शादी हुई ईश्वर के सामने, और जिसने शादी की वो बेचारा दुनिया से चल बसा, न कोई गवाह न कोई सबूत, ना जाने किसका पाप हमारे गले मरने चले आई है। नहीं नहीं, भगवान के लिए विश्वास कीजिए, ये बच्चा अरुण का ही है। मेरी बेटी और उसका होने वाला बच्चा, ये दोनों आपके खानदान के अमानत है। बंद कीजिए बकवास, हमारे खानदान में बहुएं शादी से पहले बच्चा लेकर नहीं आती। ले जाइए इस कलंकनी को यहाँ से। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप भगवान के लिए इसके हाल पर जरा सा रहम कीजिए। अगर आपने इसे स्वीकार न किया तो ये बेचारी जाएगी कहाँ? कहीं भी जाए, गंगा की गोद है, रेल की पटरियां हैं, और अगर तुम इसके असली बाप हो तो इसे जहर क्यों नहीं ला कर दे देते? कृपा कीजिए, और न कहिए और न कहिए। ठीक है, भगवान ही ने जिसे कहीं का न रखा उसके लिए इंसान से दया की आशा रखना मेरी भूल थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका अनमोल समय नष्ट किया। भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे। चल बेटी। चल बेटी। बैठो बेटी। तुम जा बाबा, मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। वीनु, अब मेरी वजह से तुम्हारा कितना अपमान हुआ, इससे मैं मर जाती थी तो अच्छा होता। छी छी लेके, ये तो कैसी बातें करती है? भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा, उनके साथ ही क्यों नहीं उठा लिया? बेटी, तुझे उसका सपना पूरा करना होगा। बनगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा, निराशा।
काहे को रोई चाहे जो होई सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोई चाहे जो होई सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोई टूटे तो है ये माटी जले तो ये ज्योति बने दिया टूटे तो है ये माटी जले तो ये ज्योति बने वही आंसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने ओ ये मोती आंखों की पूजी है ये ना कोई काहे को रोए चाहे जो हो
जिसे तुम छुपा रही हो। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। अपना दुख किसी को बताने से मन हल्का होता है बेटी, और हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता डॉक्टर, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। सुबह तक ही तो दूर रहेगा तुमसे। सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है, आकर उसे गोद ले लेना। फिर तुम्हारा बेटा कानूनी तौर पर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। चलो आओ। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। आमतौर पर बच्चा वही लोग गोद लेते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं होती। मेरा कोई नहीं है, अकेले घर में जी नहीं लगता, इसलिए। मैं समझ गया, आइए। देखिए सब छोटे बच्चे इस कमरे में, ये 1 साल का है। ये बच्चा मुझे चाहिए। इतना छोटा? जी हाँ, यही बच्चा मुझे पसंद है। इतना छोटा बच्चा पालने में आपको बहुत तकलीफ होगी। जिस माँ का अपना बच्चा होता है वो भी तो आखिर पालती है ना। अगर आपको पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये बच्चा नर्स को दे दीजिए। नर्स, आप मेरे साथ ऑफिस में आइए। आइए। छोटे बच्चे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको मालूम है? नहीं तो? मैं आपको लिस्ट देता हूँ, ये लीजिए। इसमें जरूरत की सब चीजें लिखी, आप बाजार से खरीद लाइए। तब तक मैं फार्म तैयार करके रखता हूँ। नमस्ते। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। ये देखिए, आपने जो लिस्ट दी थी, मैं उससे भी ज्यादा चीजें ले आई थी। इसे कहते हैं तकलीफ। जो बच्चा आपने पसंद किया था ये सब उसकी किस्मत में नहीं। क्या बात ये है कि आपके जाते ही एक सज्जन है जिनकी बीवी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हो। अगर ये बात उसे मालूम हो जाती तो शायद वो जिंदा ना रहती। उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे दूसरा बच्चा दे दिया जाए। और आपने उसे मेरा बच्चा दे दिया। आप तो सिर्फ उसे गोद लेना चाहती थी, आपको दूसरा मिल जाएगा। लेकिन उस औरत की जिंदगी और मौत का सवाल था, उसकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला, ये क्या किया आपने? आप खामखा इतनी परेशान हो रही है, आइए दूसरा बच्चा पसंद कर लीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ वही बच्चा चाहिए। लेकिन उन्होंने वो बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया है, अब वो आपको नहीं मिल सकता। आप मेहरबानी करके सिर्फ उनका नाम और पता दे दीजिए। अच्छा, लीजिए। आपको ननाश्रम से पत्थर लाए थे ना? क्या वो बच्चा आपसे पहले मैंने पसंद किया था, अब वो गलती से दे दिया गया। वो मेरा है, वो बच्चा मुझे चाहिए। आप मेहरबानी करके ठहरो, तुम अंदर आओ। बैठो, अब जरा आहिस्ते और आराम से बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो। आपका नाम रामप्रसाद सक्सेना है ना? हाँ। मेरा नाम वंदना है। आपने जिस बच्चे को गोद लिया है वो मुझे चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तुम उसकी माँ? तो फिर वो अनाथ आश्रम में कैसे चला गया? मैंने ही रखा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता इस दुनिया से गुजर गए हैं, और हमारी शादी समाज के सामने नहीं हुई थी, इसलिए मजबूर होकर मैंने अपने बेटे को अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया, ताकि दूसरे दिन सुबह जाकर मैं उसे कानूनी तौर पर गोद ले सकूं। अब विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं अस्पताल से उस नर्स को भी बुला सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। तो
मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। वो मेरे जीने का एक ही सहारा है, वो मेरे पति की अमानत है। तो उसे हमारे घर में पलने दो। कभी नहीं। बहस करने से क्या फायदा, तुम औरत हो, अकेली हो, बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो इसका मतलब आप मेरे बच्चे को वापस नहीं देंगे? इस घर में उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी, उसकी हर ख्वाहिश हर जरूरत पूरी की जाएगी, उसे पिता का नाम मिलेगा और एक नहीं दो माओ का प्यार मिलेगा। तुम ही फैसला कर लो इस घर में पलने में तुम्हारे बेटे की भलाई है या नहीं। आपका कहना हर तरह से ठीक है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, कैसे दूर रह सकूंगी उसे। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, उसे दो माओ का प्यार मिलेगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजदीक रहेगा। नजदीक रहेगा, मगर आपकी पत्नी? उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। बच्चा तुम्हारा है, ये मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना हो। मगर बच्चे की खातिर ही ये वादा तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, और आपका ये एहसान। इसकी जरूरत नहीं, आंसू पोछ डालो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ इसे? पता नहीं कब से रो रहा है, चुप ही नहीं होता। लाइए मुझे दीजिए। कौन है ये? हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर साहब ने भेजा है। तुमने कहा था ना तुम अभी बहुत कमजोर हो, बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स की जरूरत है। अरे बाबा, मैंने किसी बुढ़ी औरत के लिए कहा था, ऐसी थोड़ी। जिसके अपने बच्चे हो बच्चा पालना जानती हूँ। मैं जानती हूँ, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हूँ। मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं बच्चे को इस तरह संभालूंगी कि आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है, बहुत सिफारिश की है इसकी। मगर तुम क्यों सिफारिश कर रहे हो जी? अनीता, ट्रेन नर्स आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और ये बेचारी बेसहारा है, इसे काम की जरूरत है। लाइए ना, मुझे दे दीजिए, मैं अभी चुप करा देती हूँ। हाँ, दो ना। लो, सुनाई चलेगा। देखा, फौरन चुप हो गया। मुन्ना तो राजा बेटा है, राजा बेटा कभी नहीं रोता। इसका क्या नाम रखा है आपने? मुझे तो सूरज नाम पसंद है। सुना आपने नाम? सूरज। सूरज बेटा, सूरज की तरह चमकना, दिन रात दुनिया में उजाला करना है। सिर्फ दिन में नहीं तो रात को भी सारी दुनिया को जानना पड़ेगा। अब आप आराम कीजिए, मैं इसको बाहर के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं नहीं, चलो इधर लाओ, मेरे पास लाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हमेशा नर्स की गोद में रहे और अपनी माँ को भूल जाए। तुम जाओ, जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। जाओ। चलो मैं तुम्हें रहने का कमरा दिखा दूं। से हिम्मत हार रही हो, तुम्हें तो जीवन भर दुर्भाग्य से लड़ना पड़ेगा अपने बेटे का भाग्य बनाने के लिए। लो, कुछ देर इसे अपने पास रख लो, अनीता के जागने से पहले वापस कर देना। पहचाना मुझे, मैं तेरी माँ हूं। अपने बाबा का सपना पूरा करना है तुझे, पायलट बनना है, बहुत बड़ा पायलट, समझे? बनेगा ना? Thank you.
साल के बाद तू अपनी माँ के पास अकेला है। आज एक बार तो मुझे अपनी माँ कह सको का? बोल ना माँ। बोल नहीं सकता। बड़ा होकर बोलेगा ना, मेरा राजा बेटा। बड़ा होकर तू आकाश का राजा बनेगा, अपने बाबा की तरह बनेगा ना। हाँ, आया तो था सूरज निकलने की तस्वीर खींचने,
मगर चांद नजर आ गया। चांद? हाँ, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को चांद ही कहते हैं। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बस यही तो मार खा गया हिंदुस्तान। मुन्ने के दूध का टाइम हो गया। अरे सुनो तो, तुम तो मुझे गलत समझ बैठे। मैं तो तुम्हारी सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहता था। मेरी तस्वीर? हाँ। हाँ, बस तुम यही खड़ी रहो, बस ऐसे। ठहरी, मैं अभी आई। मामा लेंगे? हाँ बेटा, सूरज के साथ एक तस्वीर खींच लीजिए ना। अरे मैं तो समझा तुम कपड़े वपड़े बदलने, मेकअप वेकअप। जल्दी कीजिए ना। अच्छा, जरा स्माइल। Here you are. कब मिलेगी तस्वीर? यही कल शाम तक। मुझे कॉपी देंगे? अरे तुम ये कॉपी की बात करती हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। चल मुन्ना। अरे सुनो तो, ओहो मेरे कमरे में। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मगर किस लिए? डॉक्टर अमन, मैं तो तुम्हें सिर्फ तस्वीर दिखाने आया था। तस्वीर के लिए शुक्रिया, लेकिन रात के वक्त आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ, आपके साथ बात कर सकूं ये मेरी औकात नहीं। यही तो मार खा गया हिंदुस्तान। यूरोप में नौकर और मालिक में कोई फर्क नहीं होता, वहाँ कोई भी किसी से मोहब्बत कर सकता है। आपको इसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अब चले जाइए। तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये तो जीवन देख का जमाना है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हें खुश किया, अब तुम मुझे खुश करो। डाले निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाऊंगी तो दीदी जाग जाएगी, इसी वक्त घर से निकल देगी। और मैं नहीं चाहता तुम इतनी जल्दी इस घर से चली जाओ। लड़की जब मुझे थप्पड़ मारती है तो मैं बुरा नहीं मानता, डायरी में उसका नाम नोट कर लेता हूं और एक न एक दिन सब किताब पूरा कर लेता हूं। जा रही हूँ, वापस लौटने में थोड़ी देर होगी और मुन्ने का स्कूल से आने का टाइम हो गया, उसके लिए जूस बना देना। जी हाँ। अरे हाँ, घर में कोई नहीं है, जरा ख्याल रखना। जी।
अरे ये शीशा कैसे टूटा? शाम को क्या हुआ? कैसे हैं आप? दीदी कैसी है? सब ठीक है। तुम्हारा बेटा भी मजे में है। सूरज वंदना, अचानक ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम्हें इस रूप में देखूंगा। तुमने अपने लिए वकील तक नहीं करने दिया। जानती हो तुम्हें कम से कम 14 साल के लिए सजा हो जाएगी। जानती हूँ मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ देखो वंदना, खूनी किसी से इस तरह आंख नहीं मिला सकता। उसके चेहरे पे स्वाभिमान का इतना तेज नहीं होता। वंदना, आज तक मैंने देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियों के रूप में ही देखा था, लेकिन आज देख रहा हूं एक जीती जागती देवी को इंसान के रूप में, एक माँ के रूप में। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कोई भी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए वही करती है जो मैंने किया। ठीक है वंदना, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में कैसे बिताओगी? अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकोगी? आपके भरोसे, इस विश्वास के सहारे कि आप अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होगी, और एक दिन वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा पायलट बनेगा। 14 साल क्या है देखते देखते बीत जाएंगे। जब मैं जेल से बाहर आऊंगी मेरा बेटा 22 साल का होगा, उसे देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान और पायलट बनाने के अलावा मैं उसे एक बात और सिखाऊंगा। क्या? तुम्हारी पूजा करना। नहीं नहीं, उसे भूल कर भी ये न बतलाइएगा कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी माँ जेल में थी, वरना वरना वो दुनिया में सर उठा नहीं सकेगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा। आपका वक्त खत्म हो गया है, इन्हें अदालत ले जाना। वंदना, एक बार अपने बेटे से मिलने के लिए जी नहीं चाहता? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे जेल या अदालत के नजदीक भी लाएं। आओ। वंदना, आज तुम्हारी सजा के 12 साल पूरे हो गए। तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए सरकार ने तुम्हें 2 साल पहले रिहा कर दिया। अब तुम कहां जाना चाहती हो? मालूम नहीं, कुछ सोचा नहीं मैंने। तुमने जिन राम प्रसाद जी के बारे में पता लगवाने के लिए कहा था, मैंने पता लगवाया, लेकिन अब वो नहीं रहे। क्या? और उनकी पत्नी, उनका बेटा? उनका भी कोई पता नहीं चला। अब वो लोग उस शहर में नहीं। मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की,
मगर कोई बता नहीं सका। इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है। जी नहीं, कोई नहीं है। फिर तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर आप मुझे कोई नौकरी दिला दें। ओह, मैं तो भूल गई थी, मैं तो एक मुजरिम हूं, मुझे नौकरी कौन देगा? अब तो कोई शरीफ आदमी मुझसे बात तक नहीं करेगा। वंदना, एक बूढ़े जेलर के घर में उसकी बहन बनकर रह सकोगी? जी। कल मैं रिटायर हो रहा हूं, तुम्हारी तरह कल मैं भी जेल से रिहा हो जाऊंगा। दिल्ली में एक छोटा सा घर है, वहां मेरी एक बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है, बेचारी की मां नहीं, दूसरा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो तो मुझे बड़ी खुशी हो। लेकिन आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपेंगे? जो 12 साल तक जेल में रही है उसे? इसीलिए तो तुम्हें समझने और पहचानने का मौका मिला। भले बुरे को पहचानने में जेलर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वंदना, मेरी कोई बहन नहीं, अगर तुम मेरी बहन बन जाओ तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझो। मुझ जैसे बदनसीब को सहारा देकर एहसान तो कर ही रहे हैं। शर्मिंदा मत कीजिए भाई साहब, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी ये मेहरबानी भूल नहीं सकती। राम राम सर। राम राम राम। सामान निकाल दो। आओ वंदना, ये तुम्हारा नया घर। आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते, कैसे हैं? मेहरबानी है साहब। आओ वंदना, आओ ना। अरे वंदना, अंदर होंगे, अभी बुलाता हूँ साहब। रेनो, रेनो। सलाम साहब। ये क्या बेटी? जेलर साहब, जब 20 साल तक आपने जेल को अपना घर बनाया तो अब यकीनन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ भी जेल का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। शरीफ है, चलो चलो। यही बदल लेती हूँ। फल जूस। हेलो, शर्मा है कि नहीं? ओ डैडी, आपसे क्या शर्माना? जो चाहती वही करती है। डैडी, देखिए आपने, मेरी प्यारी दुलारी इकलौती बेटी, क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सुंदर और बहुत ही भोली। सच? तो इसी बात पर हाथ मिलाइए। नहीं नहीं नहीं, हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। ये वंदना जी है, मैंने बहन बनाकर यहाँ लाया, अभी हमारे साथ यहाँ रहेंगे। अच्छा, चलो पहुंचो इनके। अरे जीते रहो बेटे, डैडी ने आपको बहन बनाया है तो आप मेरी आंटी हुई। आज तक मेरी जिंदगी में एक ही कमी थी, माँ की, लेकिन आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अब वो कमी भी नहीं रही। न जाने क्या बात है आपके चेहरे में। माँ, बेटी, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, मगर ये वादा कर सकती हूँ आज से तुम्हें माँ की कमी कभी नहीं महसूस होगी। चलिए, आप सबसे पहले अपना घर देखिए, फिर नहा धोकर खाना खाकर आराम से सो जाइए, फिर जब आप उठेंगी तब मैं आपसे बहुत सी बहुत सी बहुत सी बातें करूंगी। आंटी को पाती, डैडी को बिल्कुल भूल गई। मुझे ये भी नहीं पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। एक कप गरम चाय, उसमें अदरक और काली मिर्च डाल। हाजिर है? चलिए आंटी, चलो। एक बात पूछूं साहब? हाँ पूछो। अब तो आप कभी जेलखाना नहीं जाएंगे ना? क्या मतलब? बड़ा बुरा लगता है साहब, आप हमेशा 2-4 दिन के लिए घर आते हैं फिर जेलखाना चले जाते हैं। अब हम जेलखाने नहीं जाएंगे। नाने के गर्म रखो, चलो। जी सर।
अच्छा आंटी मैं चलूं वरना देर हो जाएगी, एयरपोर्ट जाकर सहेली को रिसीव करना है। रेनू जी, क्या नाम बताया सहेली का? नाम कमला। तो अब वो माधुरी से कमला बन गई। बैठो रेनू बेटी, तुम जैसी अच्छी लड़की के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए आंटी, गलती होगी। दरअसल वो एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे पिताजी को मालूम है? अभी तक नहीं। आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरे साथ एयरपोर्ट चलिए, उसे खुद मिल लीजिए, और अगर पसंद आ जाए तो डैडी को ऐसी पट्टी पढ़ाइए कि उन्हें भी पसंद आ जाए। और मुझे पसंद नहीं आया तो इस बात का फैसला उनसे मिलने के बाद ही कीजिए। चलिए ना जी, प्लीज चलिए ना। जाना पहचाना से चेहरा है। तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माय किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी हैं वो मेरी जिंदगी है, और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं। हाँ एक मिनट, फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देती। ओह आंटी सो स्वीट, आप यहाँ पे ठहरिए, मैं 5 मिनट में तैयार हो गया। तो अभी अभी क्या अभी आ
डूबने में। डैडी मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। सुन चुका हूँ उनके बारे में। सलाम। दरअसल बात यह है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय। आपका परिचय मुझे मिल चुका है जी। सूरज प्रकाश सक्सेना, इंडियन एयरफोर्स में पायलट, मेरी बेटी से 2 साल से जान पहचान, शादी का इरादा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और कुछ? डैडी, पिताजी गुजर चुके हैं, एक माँ है और वो चाहती है। आपकी माता ही चाहती है कि जल्द से जल्द आपकी शादी मेरी बेटी के साथ हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। एंड आई मस्ट से यू गॉट अ ब्रिलियंट डैडी। थैंक यू सर। डैडी नाइस बॉय। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जबकि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, फिर मुझे टेरेस पे क्यों लाया जा रहा है? जब से तुम आए हो हम तन्हाई में नहीं मिल सके। मैंने सोचा शायद अकेले में तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो। राइट, मैं तो बड़ा बेचैन था। अच्छा, क्या? कल रात मुझे एक सपना आया। कैसा लगा? पहले मस्का लगाओ। बोलो ना सूरज। एक अजीब सपना। बताओ ना क्या था। जंग शुरू हो गई, चारों तरफ धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घड़घड़ाहट। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम, 1000, 1200, 1500 की रफ्तार होती। नीचे दुश्मनों का प्लेन नजर आता है, मैं एम करके फायर करता हूँ, धम धम धम, दुश्मनों का प्लेन साफ। इतने में मैं चार्ज करके रेडर की तरफ जाता हूँ और अपने प्लेन के साथ क्रैश। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने आई थी, जा रही हूँ। आंटी, वो तो हम यूं ही जरा हवा खाने ऊपर आ गए थे। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही है, शी इज अ लायर। ये मुझे छत पे लाई थी चांद दिखाने के लिए और कहती थी कि छत पे से चांद नारियल के पेड़ों के बीच में से बहुत खूबसूरत लगता है। नॉटी गर्ल। झूठ आंटी, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन आज तो अमावस्या है, चांद तो वैसे ही नहीं दिखेगा, फिर भी तुम देख सकोगे। आंटी, जब निकलेगा ही नहीं तो? तुम जिस चांद को देखना चाहते हो वो ये है। ओह नो, रियली? आसमान का चांद तो कभी कभी छुप भी जाता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे जीवन में उजाला बनकर रहेगा। आंटी, आंटी आप मुझसे एक वादा कीजिए। बोलो बेटा। अगले जन्म में आप मेरी माँ बनेंगे। मैं तो अब भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू आंटी। तुम्हारी आंटी कितनी अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है। और जब मैं देखती हूँ? अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती छुट्टी। अच्छा, सिर्फ देखने में इतना है? अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। अभी प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, पागल। आप भी होने वाले हैं? हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती। तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? व्हाट, अभी तक नहीं कहा? जी नहीं। तुम्हें फौरन इसी वक्त एडवांस को? नहीं, मैं भी कल बात छोड़ूंगा। कभी नहीं। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है, देखो देखो मुझे।
दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। छोड़ा आंटी, मैंने तो आपसे बिना पूछे ही सूरज को खाने पर बुला लिया था। अगर मैं जानती कि आप इतनी सारी चीजें बनाएंगे तो मैं नहीं बुलाती। बेटे को खाना खिलाने में माँ को कितनी खुशी होती है ये तो कुछ दिनों के बाद समझेगी। हेलो, नहीं आ सकती क्या? मतलब खाना टेबल पर लग चुका है। आंटी ने तुम्हारे लिए खास डिशेज बनाई है। क्या कहा? तुम्हें फ्रंट पर जाने का ऑर्डर मिला है? नहीं नहीं, मैं घबराऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी भी नहीं। कब जाना है तुम्हें सूरज? एक घंटे के अंदर। हाँ, मैं आती हूँ, अभी आई, अभी। आंटी, मैंने सब कुछ सुन लिया बेटी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चल रही। चलिए आंटी। आई आंटी, आए सूरज। एकदम आंटी, जा रहा हूँ, सबको खत्म करके आऊंगा। आई फिनिश देम ऑल। आशीर्वाद दो कि वापस लौट कर आपके हाथ का खाना खाऊं। जाओ बेटा, कामयाब हो के आना। थैंक यू वेरी मच आंटी। रेनू, से गुड बाय एंड गुड लक। गुड बाय एंड गुड लक। व्हाई आर यू रूइंग? तुम रोती क्यों? हां, जरा मुस्कुरा के बोलो। कौन 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 कौन? जब तुम वापस ना आओ इसी तरह मुस्कुराते आना। हेलो, दैट्स इट। बाय बाय। यह ऑल इंडिया रेडियो है। कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट से पता चला है कि आज भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों के 3 बमबार हवाई जहाज मार गिराए और दुश्मन के 1 छावनी को तहस नहस कर दिया। किया, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की,
लेकिन आज अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं समझूंगी तुम ईश्वर नहीं हो, तुम संसार के रखवाले नहीं हो, तुम पत्थर हो। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा भगवान, आज मांगती हूँ अपने बेटे की जिंदगी। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो, बदले में मुझे उठा लो। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो। गुड न्यूज, मैं खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। कहाँ है सूरज? इस वक्त वो मिलिट्री हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? घबराने की कोई बात नहीं, उसकी हड्डी मसली एकदम सही सलामत है। बस अंकल एक गोली उसके कंधे पर लगी थी, निकल गई। मैं तो कहता हूँ कि एक हफ्ते में वो भगला डांस करने लगेगा। देखो मैंने कहा था ना, सूरज को कुछ नहीं होगा, भगवान ने मेरी सुन ली। इसका मतलब है कि हमारा हीरो बिल्कुल सही सलामत है। अजी हीरो भी ऐसा वैसा, हवाई जहाज में आग लग गई, प्लेन क्रैश हो गया, पैराशूट से नीचे कूदा तो दुश्मनों की बंदूकों के बीच में हमारी सरहद से 20 मील दूर गोलियों की बौछार से बचता 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 वापिस आ गया। क्या हम सूरज से मिल सकते हैं? श्योर, हॉस्पिटल में 4 से 6 बजे तक मिलने का टाइम होता है, आप आ जाइएगा। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, नमस्ते। ये है सूरज का कमरा, आप लोग जाइए। हाय रीनू। नमस्ते आंटी। अच्छे तो हो ना बेटा। अरे फर्स्ट क्लास। माफ करना आंटी, हाथ जरा जख्मी इसलिए पैर छू नहीं सकता। आई होप यू डोंट माइंड। कोई जरूरत नहीं बेटा। व्हाई नॉट, जरूरत कैसे नहीं? अजी आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के तो गया था, इसे तो वापस जिंदा लौटा। व्हाट डू यू से? नहीं बेटा, देश के लिए जान निछावर करने वालों से तो मौत डरती है। आंटी क्या कहा? समझ गया। अरे वंडरफुल, आपके इन दो शब्दों ने तो मेरे हौसले को बढ़ा दिया। अब बिग 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 जानती है, अगले सुख मेरी माँ होती तो क्या कहती? हाय बेटा ये तुमने क्या किया, 100 बार तुम्हें कहा था फौज में भर्ती मत हो, तू मेरी एक ही एक औलाद है, इस बार तो बच गया, बार दोबारा कैसे क्या होगा। रोने लगती। अपने बच्चों की खातिर कभी ना कभी हर माँ को रोना पड़ता है, कोई आंसू बहाकर रोती है और कोई आंसू पीकर। क्या बात है आंटी? कुछ नहीं आंटी, एक बात पूछूं, आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मैंने उसे खो दिया। फ्लैट लेफ्टिनेंट सूरज, आपकी माँ आपसे मिलने आई। ओ मम्मी आई है? हाँ उन्हें भेजिए प्लीज सर, डॉक। क्यों क्यों क्यों? वाह 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 वाह, नहीं नहीं आपको मेरी माताजी से मिलकर जाना होगा। कभी मिलूंगी। रेनू बेटी तुम इधर ही रहना। हेलो व्हाट्स द मैटर, व्हाई गॉन? क्या हो गया मम्मी? टेक इट इजी, टेक इट इजी। हजार बार मना किया था फौज में भर्ती मत होना, तो मेरी एक ही औलाद है ना। देख भगवान की दया से आज तेरी जान बच गई, कल कोई बुरी बात हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। देखा मैंने ठीक कहा था ना, ओ माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम घर जाकर 5 रुपए का प्रसाद शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देना, आइंदा ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा जैसे तुझे सब कुछ मालूम है ना। ये कौन है रे? माँ मुझे डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, तुम्हें बता दो। जी मैं रेनू हूँ, मेरे पिताजी रिटायर्ड जेलर है। अच्छा तो तुम ही रेनू हो? तुम्हारे बारे में इसने खत में लिखा था, लेकिन जो कुछ लिखा था बहुत कम था। माँ जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमारी शादी जल्दी नहीं हो जाती तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो सकता। हाय राम, मैं तो आज ही जाके बात पक्की करके आती हूँ। हाँ हाँ, इसमें मेरा ही स्वार्थ है, अगर तेरी शादी जल्दी हो गई तो तू जान बुझ कर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। चलो मेरी तरफ से दोबारा मार के पहुंचो। हाँ अब तो बहू बनकर मेरी पैर छुड़ा दो जी। भाभी माधन जी,
लेकिन जब उसने अपने पिता का नाम कुछ और बताया तो मैं खामोश हो गया। आज भी उसे नहीं मालूम कि मैं उसकी माँ हूं। और आप भी वादा कीजिए ये बात उसे कभी नहीं मालूम होगी। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, लेकिन अगर भगवान है तो एक दिन वो जरूर जान जाएगा कि उसके असली माँ बाप कौन है। की खातिर आपसे मिल आई हूँ। आप लड़के के पिता हैं, मैं लड़के की माँ हूँ। दोनों की मर्जी से ही बात पक्की होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल तो लड़का लड़की खुद ही बात पक्की कर लेते हैं। माँ बाप की जरूरत तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए पड़ती है। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो जल्द से जल्द इनकी खुशी के लिए जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। शर्मा गई है, बच्ची है ना। वंदना देखो, सूरज की माता जी आई। वंदना मेरी मुंह बोली बहन है। नमस्ते। नमस्ते। मैं जरा आपकी बहन से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मिलिए ना। निकल आई। शोर तो ऐसा ही मचा रहे हैं। अरे
सुनोगी तो नाच उठोगी। कल सुबह के अखबार में मेरा नाम होगा, फोटो होगी। आखिर मालूम तो हो बात क्या है? आंटी आंटी आप इन लोगों को पढ़ के बताइए। पढ़िए। एयरफोर्स अवार्ड? जी हाँ, आपके आशीर्वाद से। मुझे भी दिखाइए। अच्छा आंटी, इसे भी पढ़ लेने दीजिए। सूर्य मुबारक, मुझे बेहद खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है और मैं रेनू को वहां ले जाना चाहता। क्यों नहीं चलो बेटे तैयार हो जाओ। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? क्या मेरा मतलब है किस रंग की साड़ी पहनूं? पिंक साड़ी। हाँ है, मगर उसमें बड़े बड़े फूल हैं। बड़े बड़े फूल बहुत चलेंगे। अच्छा ना, आपकी बेटी बहुत बुद्धू है। शी इज वेरी सिली। ये सपना पूरा करने की जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गई। मुझे खुशी है कि जीते जी
मैं अपना वादा निभा सका। कुछ ही दिनों का मेहमान और हूं। तुम्हारे जेल से रिहा होने तक मैं शायद नहीं रहूंगा, मगर मरते वक्त भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि एक दिन तुम्हें अपना सूरज, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए, तुम्हारा राम प्रसाद सक्सेना। देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है, मेरी खुशी का दिन, और आप नहीं चलेंगी? तुम्हारी माँ जा रही है, रीनू जा रही है तुम्हारे साथ, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जी जी नहीं करते, मैं तैयार हूं, चलो। रेनू, ये हमारे साथ चल रही है, इनको तैयार करके लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं नीचे हॉल में इंतजार करता हूं। मैं दिल्ली सिटीजंस कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के जलसे की कार्यवाही शुरू करें। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जलसे में हम सब लोग अपने उन नौजवान दिलेर पायलट्स को बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनके लिए सारे देश को, हर हिंदुस्तानी को उन पर नाज है, फख्र है। यह तो सरकार की तरफ से उन्हें खिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, मगर मैं समझता हूं कि जनता के प्यार और उसकी सद्भावना से बढ़कर कोई नाम नहीं हो सकता। मुबारकबादी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज कुमार सक्सेना। आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था? अमेजिंग, तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूं। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए
कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहां मौजूद हो, यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हीं में शरीक होने दिया जाए, इसे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मैं खुद ऐसे रिश्ते से मिलना चाहूंगा, बुलाओ ना। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हूँ माँ। सूरज तुम्हें बुला रहा है मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। भाभी आइए। जरूर आएगा जब आपका बेटा आपको मां कहकर पुकारेगा। मैंने ये पहचान लिया है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले ही वो और आज तक इसलिए अपने बेटे को अपना बेटा ना कह सकी। जिंदगी में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बना सके, क्योंकि मेरे पिता को वचन दिया था इन्होंने। वंदना जी, जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची हैं, उनमें से आप भी एक हैं। और मैं समझता हूं आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरत अपने पति की मौत एयर क्रैश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखती है, मैं समझता हूं उसी मां के हाथों से यह मेडल उसके बेटे को दिया जाना चाहिए। देख रही हैं वंदना जी, आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई है। लीजिए। सारी दुनिया के सामने सर उठा के कह सकता हूं, न जाने कितने जन्म लेने के बाद, न जाने कितनी तपस्या के बाद तुम जैसी मां, तुम जैसी देवी का बेटा बन सका।